हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे उसका वीव डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग प्लान, लिफ्टिंग प्लान प्रोड्यूस किया जाता है और किस किस मेथड से हम स्टिचिंग पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने स्टडी किया कि डबल क्लॉथ क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, किस किस मेथड से हम डबल क्लॉथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ के अंदर हम फेस के वार प्यान को बैक के वेफ्ट के साथ या बैक के वार प्यान को फेस के वेफ्ट के साथ या अल्टरनेटली दोनों के वार को एक दूसरे के साथ इंटरलेस करते हैं, स्टिच करते हैं। तो किस किस मेथड से हम सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो पहला मेथड है स्टिचिंग फ्रॉम फेस टू बैक, मतलब फेस वार प्यान को हम बैक वेफ्ट के साथ स्टिच करके सेल्फ स्टिच क्लॉथ प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा मेथड है स्टिचिंग फ्रॉम बैक टू फेस, कि बैक वार प्यान को फेस वेफ्ट के साथ स्टिचिंग करके। और तीसरा मेथड है कॉम्बिनेशन स्टिचिंग को यूज़ करके, जिसके अंदर हम हाफ फैब्रिक के अंदर फेस टू बैक और हाफ फैब्रिक के अंदर बैक टू फेस मेथड को यूज़ करके स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी वीव कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे लिफ्टिंग प्लान ड्रॉ करेंगे, आइए उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ की वीव को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम फोर अप फोर डाउन की ट्विल वीव फेस के लिए सेलेक्ट कर लेंगे और टू अप टू डाउन की ट्विल वीव बैक के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। फेस के लिए हमने फोर अप फोर डाउन ट्विल वीव ली है और बैक के लिए टू अप टू डाउन ट्विल ली है। फोर अप फोर डाउन के लिए हमने रिपीट साइज 8x8 का सेलेक्ट किया है, 8 हमने वार्प लिए हैं और 8 वेफ्ट लिए हैं। और फोर अप फोर डाउन को हम एक पर्टिकुलर कलर से, रेड कलर से हम इसको फिल कर रहे हैं। अप के लिए हमने वार्प अप के लिए रेड कलर चूज़ किया है और वेफ्ट अप के लिए वाइट कलर चूज़ किया है। तो फोर अप फोर डाउन ट्विल को हम इस प्रकार से फिल कर देंगे। तो इस तरह से हमने फोर अप फोर डाउन ट्विल वीव को फिल कर लिया। ये हमारी फोर अप फोर डाउन ट्विल वीव तैयार हो गई। रेड कलर शो कर रहा है वार्प अप, वाइट कलर शो कर रहा है वेफ्ट अप। ये हमारी फेस फैब्रिक की वीव है, ये ब्लैंक एरिया वेफ्ट अप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम फिल करेंगे टू अप टू डाउन ट्विल वीव। इसके लिए हमने सेम रिपीट साइज लिया है, तो टू अप टू डाउन ट्विल वीव को हम ग्रीन कलर से वार्प अप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेफ्ट अप को वाइट कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। टू अप, फिर टू डाउन, उसके बाद फिर दोबारा टू अप और फिर टू डाउन। फिर ट्विल का जो हम ऑर्डर लेके चलते हैं, वन ब्लैंक छोड़ के अपवर्ड फिल करते हुए टू अप टू डाउन, इस तरीके से हम हमारी टू अप टू डाउन ट्विल वीव को फिल करेंगे। और जो ये हमारा रिपीट है टू अप टू डाउन ट्विल वीव का, इसको पूरा कर लेंगे। तो ये हमने टू अप टू डाउन ट्विल वीव को कंप्लीट कर लिया। ग्रीन कलर वार्प अप शो कर रहा है और वाइट कलर वेफ्ट अप शो कर रहा है। अब हमारी फेस और बैक दोनों वीव कंप्लीट हैं। इन दोनों वीव को हम कंबाइन करेंगे जो हमारा फाइनल डिज़ाइन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके अंदर हमने फेस वीव के अंदर 8 वार्प एंड्स लिए हैं, तो हम सारे फेस वार्प को F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी 8 के 8 वार्प हैं उनके लिए हमने फेस वार्प, और इसी प्रकार से फेस वेफ्ट के लिए हमने F यूज़ किया है।
बैक वार्प के लिए हम बी सेलेक्ट करेंगे। बी रिप्रेजेंट कर रहा है बैक वार्प को और बैक वेफ्ट को। ये लेटर्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें वीव डिज़ाइन बनाते समय आसानी रहे फेस और बैक के वार्प और वेफ्ट यार्न को सेलेक्ट करने में। तो अब हम दोनों को कंबाइन करके रिपीट साइज सेलेक्ट करेंगे फाइनल वीव का, 8+8 16x16, क्योंकि हमारा 8x8 का फेस वीव है, 8x8 का बैक वीव है, तो हम टोटल 16x16 का ग्राफ पेपर तैयार करेंगे हमारी फाइनल वीव को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये हमने 16x16 का एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर हम अल्टरनेट ऑर्डर में हमारी फेस और बैक वीव को अरेंज करेंगे। तो पहला एंड है हमारा फेस का, उसके बाद थर्ड एंड, फिफ्थ एंड, सेवन्थ, नाइन्थ, इलेवन, थर्टीन एंड फिफ्टीन। ये हमारे 8 फेस के वार्प यार्न हो गए और इसी प्रकार से हमारे फेस के वेफ्ट यार्न को हम अरेंज करेंगे इस वीव के अंदर। अब जो रिमेनिंग एंड है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, वहाँ पर हम बैक वार्प यार्न को प्लेस करेंगे। एफ फेस वार्प को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी बैक वार्प को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे बैक के वार्प यार्न और ये बैक के वेफ्ट यार्न को हमने इसमें अरेंज कर दिया है। अब जो फेस की वीव है उसको हम फिल करेंगे इस ग्राफ के अंदर, जहाँ पर फेस का वार्प और फेस का वेफ्ट मिल रहा है। तो हमारी फेस की वीव है 4 अप 4 डाउन, तो हमने उसे फिल कर दिया फेस वार्प फेस वेफ्ट। ये 2 अप 3 अप एंड 4 अप, 4 अप हमने फिल कर दिए, 4 डाउन हमने लेफ्ट कर दिए फर्स्ट एंड के अंदर। 1, 2, 3, 4 अप, 1, 2, 3, 4 डाउन। तो इसी ऑर्डर में अब हम सेकंड जो हमारा फेस का वार्प है जो कि ये है, इसको फिल करेंगे 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप। तो ये भी हमने 4 अप 4 डाउन के ऑर्डर में फिल कर दिया, 1, 2, 3 डाउन 4 डाउन, 4 अप 4 डाउन। तो इसी ऑर्डर में हम पहले हमारी जितनी भी फेस के वार्प हैं उनके अंदर 4 अप 4 डाउन वीव को फिल करेंगे। तो ये हमने फेस की वीव फिल कर दी इस ग्राफ के अंदर, जहाँ पर फेस वार्प फेस वेफ्ट मिल रहे थे, इस वीव को हमने जो हमारा फाइनल डिज़ाइन है सेल्फ स्टिच डबल क्लोथ का उसके अंदर फिल कर दिया है, फेस वार्प फेस वेफ्ट, जहाँ पर भी फेस वार्प फेस वेफ्ट आपस में मिल रहे थे वहाँ पर हमने इसको फिल कर दिया। अब हम फिल करेंगे बैक की वीव को, जहाँ पर बैक वार्प और बैक वेफ्ट आपस में मिल रहे हैं वहाँ पर हम इसको फिल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट बैक एंड यहाँ पर है, ये बैक वार्प ये बैक वेफ्ट के साथ यहाँ मिल रहा है, तो हम इसे अप कर देंगे। जहाँ जहाँ पर बैक वार्प बैक वेफ्ट के साथ मिल रहा है, तो बैक वार्प पहला यहाँ पर मिल रहा है, तो इसे हम ग्रीन कलर से फिल कर देंगे, 1 अप 2 अप 1 डाउन 2 डाउन, उसके बाद 1 अप 2 अप 1 डाउन 2 डाउन। तो ये हमारी बैक की वीव 2 अप 2 डाउन, इसी ऑर्डर में हम इसको फिल करते चले जाएंगे, 1 अप 2 अप 1 डाउन 2 डाउन 1 अप 2 अप 1 डाउन 2 डाउन। तो इसी प्रकार से जितने भी बाकी बैक के वार्प हैं उनको हम फिल करते चले जाएंगे 2 अप 2 डाउन के ऑर्डर में और पूरी वीव को फिल करेंगे।
तो ये हमने बैक की वीव इस डिज़ाइन के अंदर फिल कर दी। दोनों वीव्स को कंबाइन करके हमने हमारा फाइनल डिज़ाइन तैयार कर लिया है। टू अप टू डाउन हमने बैक की वीव फिल की है और फोर अप फोर डाउन फेस की वीव फिल की है। अब हमें इसके अंदर स्टिचिंग पॉइंट इंसर्ट करने हैं फेस टू बैक के ऑर्डर में। स्टिचिंग पॉइंट फिल करने के लिए जो हमने मेथड यूज़ किया है वो है फेस टू बैक स्टिचिंग मेथड। तो इस टाइप के सेल्फ स्टिच में हम जो स्टिचिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है फेस टू बैक स्टिचिंग, मतलब फेस के वार्प यार्न को हम बैक के वेफ्ट यार्न के साथ स्टिच करेंगे। तो जहाँ पर भी फेस का वार्प बैक के वेफ्ट के सामने आ रहा है वहाँ पर हम इसे अप कर देंगे और बाकी एरिया को हम ब्लैंक छोड़ेंगे एक बार। तो यहाँ पर फेस और बैक आपस में मिल रहे हैं तो इसको हमने अप करेंगे, इसको अप करेंगे। फेस वार्प यार्न के सामने जहाँ पर भी बैक का वेफ्ट यार्न आएगा, बैक का पिक आएगा, वहाँ पर हम इन्हें अप कर देंगे, इनको बाइंडिंग पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए, फेस टू बैक स्टिचिंग क्रिएट करने के लिए। तो हम इसे पूरे डिज़ाइन के अंदर फिल कर देते हैं। इसके लिए हमने येलो कलर सेलेक्ट किया है फेस टू बैक स्टिचिंग पॉइंट क्रिएट करने के लिए। तो पूरी वीव के अंदर फेस और बैक के इंटरसेक्शन को हम फिल कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर फेस का वार्प यार्न बैक के वेफ्ट के सामने आ रहा है वहीं पर ये स्टिचिंग पॉइंट हमको क्रिएट करना है। तो ये हमने फेस टू बैक स्टिचिंग मेथड को यूज़ करके पूरी वीव के अंदर स्टिचिंग पॉइंट्स फिल कर दिए हैं। तो अब हम इसके अंदर फेस की हमने बाइंडिंग पॉइंट्स दे दिए बैक के साथ, लेकिन जो बैक वार्प यार्न है उसको हमने बाइंडिंग पॉइंट्स नहीं दिए। ये जो हमारा बैक वार्प यार्न है इसके अंदर कोई बाइंडिंग पॉइंट नहीं दिया फेस के साथ। इधर भी फेस जो वेफ्ट है उसके साथ बैक वार्प का बाइंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हम बैक वार्प को फेस वेफ्ट के साथ कुछ बाइंडिंग पॉइंट्स देंगे ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से बाइंड हो जाए डबल क्लॉथ की फॉर्म में। फेस को हमने दे दिए थे बाइंडिंग पॉइंट, अब हम बैक वार्प को फेस वेफ्ट के साथ कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे बाइंडिंग पॉइंट देंगे। जैसे ये फर्स्ट बैक वार्प था उसको हमने फर्स्ट बैक पिक के साथ, उसके बाद सेकंड जो बैक वार्प है उसको सेकंड फेस पिक के साथ। यहाँ पर बैक पिक है यहाँ नहीं, ये फेस वार्प के साथ हम बैक वार्प के साथ फेस वेफ्ट को, यहाँ पर बैक वार्प और फेस वेफ्ट को, फिर अगेन ये फेस वार्प की बजाय बैक वार्प को हमें बाइंडिंग पॉइंट देना है। यहाँ से इसे हटाकर हमें बैक वार्प और फेस वेफ्ट, तो बैक वार्प और फेस वेफ्ट को भी हमने कुछ सर्टेन इंटरवल्स पे बाइंडिंग पॉइंट दे दिए ताकि फैब्रिक की फर्मनेस बनी रहे। इस तरह से हमने बैक वार्प को ये कुछ बाइंडिंग पॉइंट्स दे दिए और ये हमारा कंप्लीट जो फैब्रिक है वो तैयार हो गया डबल क्लॉथ फेस टू बैक स्टिचिंग की फॉर्म में। ये हमारा कंप्लीट डिज़ाइन है जिसके अंदर हमने स्टिचिंग पॉइंट भी इंसर्ट कर दिए और दोनों फेस और बैक की वीव को इंसर्ट करके फाइनल डिज़ाइन जो डबल क्लॉथ का है उसको तैयार कर दिया। अब इस डिज़ाइन को हम आगे यूज़ करेंगे ड्राफ्टिंग प्लान और लिफ्टिंग प्लान के लिए। दूसरा मेथड जो है वो है बैक टू फेस स्टिचिंग। इस मेथड के अंदर हमने फेस वार्प को बैक वेफ्ट के साथ स्टिच किया था। नेक्स्ट मेथड के अंदर हम बैक वार्प को फेस वेफ्ट के साथ स्टिच करेंगे। जो सेल्फ स्टिच के अंदर ही तीन तरीके से हम बाइंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका है फेस टू बैक, दूसरा है बैक टू फेस। तो ये सेकंड वीव हम
ड्रॉ करेंगे बैक टू फेस स्टिचिंग प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अंदर भी हम सेम वही फेस के लिए फोर अप फोर डाउन वीव लेंगे और बैक के लिए टू अप टू डाउन ट्विल लेंगे। ये हमने 16 बाय 16 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने अरेंज कर दिया फेस के वार्प को और बैक के वार्प को, और उसके बाद हम अरेंज करेंगे बैक के वेफ्ट और फेस के वेफ्ट को। हमने पहला एंड फेस का लिया है, दूसरा एंड बैक का, तीसरा एंड फेस का, चौथा एंड बैक का। अब पहले की तरह हम जहां पर फेस का वार्प और फेस का वेफ्ट मिल रहा है वहां पर फेस की वी फिल करेंगे फोर अप फोर डाउन, जैसा कि हमने फेस टू बैक स्टिचिंग के अंदर किया था। फोर अप फोर डाउन, इसी ऑर्डर में हम हमारी पूरी वीव को फिल करेंगे। तो ये हमने हमारी फेस की वीव फिल कर ली फोर अप फोर डाउन ऑर्डर में। अब हम बैक की वीव फिल करेंगे टू अप टू डाउन ऑर्डर में, जैसा हमने फेस टू बैक स्टिचिंग में किया था। टू अप टू डाउन, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम हमारा जो फाइनल डिज़ाइन है उसके अंदर टू अप टू डाउन ट्विल वीव को फिल करते चले जाएंगे। तो ये हमने बैक की वीव फिल कर दी पूरे डिज़ाइन के अंदर। फेस और बैक दोनों की वीव फिल करने के बाद हम स्टिचिंग पॉइंट क्रिएट करेंगे। फेस टू बैक के अंदर हमने फेस वार्प को बैक वेफ्ट के साथ स्टिच किया था। अब जो सेकंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है बैक टू फेस स्टिचिंग। बैक टू फेस स्टिचिंग के अंदर हम बैक वार्प यार्न के साथ फेस वेफ्ट की स्टिचिंग करेंगे। जहाँ पर भी बैक का वार्प हमने यूज़ किया है और उसके सामने जब फेस का वेफ्ट आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम पूरी वीव के अंदर बाइंडिंग पॉइंट्स क्रिएट कर देंगे। ये बैक का वार्प और फेस का वेफ्ट, बैक वार्प फेस वेफ्ट, बैक वार्प फेस वेफ्ट, बैक वार्प फेस वेफ्ट, इस ऑर्डर में हम बाइंडिंग पॉइंट्स क्रिएट करेंगे और पूरी वीव के अंदर जहाँ पर भी बैक वार्प के सामने फेस वेफ्ट आ रहा है वहाँ पर बाइंडिंग पॉइंट इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमने बैक टू फेस स्टिचिंग टेक्निक से बाइंडिंग पॉइंट्स इंसर्ट कर दिए पूरी वीव के अंदर। अब जैसा हमने पहले किया था, बैक वार्प और फेस वेफ्ट को हमने स्टिचिंग पॉइंट दे दिए, लेकिन फेस वार्प है जो उसको वेफ्ट के साथ स्टिचिंग पॉइंट नहीं दिए हैं। तो कुछ सर्टेन इंटरवल्स पे जहाँ पर फेस का वार्प बैक के वेफ्ट के साथ मैच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पर हम बाइंडिंग पॉइंट्स देंगे। तो फेस वार्प बैक वेफ्ट के साथ जहाँ पर भी इंटरलेस कर रहा है वहाँ पर हम ये बाइंडिंग पॉइंट्स दे देंगे। हमें पूरी वीव के अंदर ये बाइंडिंग पॉइंट्स नहीं देने हैं, कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे ये बाइंडिंग पॉइंट्स हमें क्रिएट करने हैं। तो ये पर्पल कलर से हमने फेस वार्प को बैक वेफ्ट के साथ कुछ सर्टेन बाइंडिंग पॉइंट्स दे दिए, जिससे कि फेस का वार्प बैक के वेफ्ट के साथ स्टिच हो जाएगा। ये हमारा बैक टू फेस स्टिचिंग डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब जो थर्ड मेथड है जिसके अंदर हम दोनों स्टिचिंग पॉइंट्स को यूज़ करते हैं वो हम इंसर्ट करके उस वीव को डिज़ाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन स्टिचिंग इस मेथड को बोला जाता है। हाफ डिज़ाइन के अंदर एट जो वार्प हैं उनके अंदर फेस टू बैक स्टिचिंग और रिमेनिंग एट जो वार्प हैं उसके अंदर बैक टू फेस स्टिचिंग हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए हम सेम वही मेथड 16 बाय 16 का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये 16 बाय 16 का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम फेस और बैक के वार्प को अरेंज करेंगे। हमने यहाँ पर रेशो 1:1 ली है, तो वन फेस वन बैक का वार्प लिया हमने
और सेम ऑर्डर में हम फेस और बैक के वेफ्ट यान को अरेंज करेंगे। अब जो हमने फेस की वीव ली थी फोर अप फोर डाउन, वही वीव इसके अंदर लेंगे और जिस प्रकार से हमने पहले फेस की वीव फिल की थी फोर अप फोर डाउन, उसी प्रकार से इसके अंदर हम वीव फिल कर देंगे। तो ये हमने फेस की वीव फिल कर दी। अब बैक की वीव टू अप टू डाउन जैसे हमने पहले फिल की, उसी प्रकार से जहाँ पर बैक का वार बैक के वेफ्ट के साथ मिल रहा है वहाँ पर हम वीव फिल करेंगे। टू अप टू डाउन, टू अप टू डाउन, पूरे ग्राफ को हम टू अप टू डाउन के हिसाब से फिल करेंगे। तो ये हमने फेस और बैक की वीव इसके अंदर फिल कर दी। अब स्टिचिंग पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम कॉम्बिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो जो पहली हमारी आठ वार्प यार्न है फेस और बैक के मिला करके, उसके अंदर हम फेस टू बैक, इस एरिया के अंदर हम फेस टू बैक स्टिचिंग मेथड यूज़ करेंगे और जो बाकी एरिया बचा हुआ है लास्ट की एट पिक्स हैं उनके अंदर हम बैक टू फेस स्टिचिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो इस एरिया के अंदर हम फेस टू बैक स्टिचिंग यूज़ करेंगे और जो दूसरा रिमेनिंग एरिया है ये एरिया है जो इसके अंदर हम बैक टू फेस स्टिचिंग यूज़ करेंगे। तो ये हमारा फेस वार्प बैक वेफ्ट के साथ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम स्टिच करेंगे। पहले आठ वार्प यान के अंदर जहाँ पर फेस वार्प बैक वेफ्ट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर हम ये स्टिचिंग पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग पॉइंट इंसर्ट कर दिए हमारी वीव के अंदर फेस टू बैक मेथड को यूज करते हुए। अब जहां पर बैक वार्प फेस वेफ्ट के साथ मिल रहा है वहां पर हम कुछ बाइंडिंग पॉइंट्स देंगे। उससे पहले जो हमारा बचा हुआ एरिया है जो लास्ट के आठ वार्प हैं उसके अंदर बैक टू फेस स्टिचिंग फिल करेंगे, जहाँ पर बैक वार्प फेस वेफ्ट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर ये बाइंडिंग पॉइंट्स हम इंसर्ट कर देंगे। बैक वार्प फेस वेफ्ट जो आठ हमारे ये लास्ट के आठ वार्प यान हैं इनके अंदर बैक टू फेस स्टिचिंग मेथड यूज़ करते हुए हम स्टिचिंग पॉइंट इंसर्ट करेंगे। ये हमने बैक टू फेस स्टिचिंग यूज़ करते हुए लास्ट का एरिया फिल कर दिया। अब हमने इसके अंदर दोनों मेथड यूज़ किए हैं। तो जहाँ पर भी फेस वार्प बैक वेफ्ट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है लास्ट के एट एंड्स में, वहाँ पर हम कुछ बाइंडिंग पॉइंट्स देंगे, क्योंकि ये बाइंडिंग पॉइंट्स अगर हम नहीं देंगे तो ये वार्प ब्लैंक रह जाएंगे, ये बाइंड नहीं हो पाएंगे बैक फैब्रिक के साथ। सिमिलरली इस एरिया के अंदर हम बैक वार्प को फेस वेफ्ट के साथ बाइंडिंग पॉइंट्स देंगे। तो इस वीव के अंदर हमने कुछ बाइंडिंग पॉइंट्स बॉटम एरिया के अंदर दे दिए। अब जो बचे हुए बाइंडिंग पॉइंट्स हैं वो हम टॉप एरिया के अंदर देंगे। यहाँ से फेस वेफ्ट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। बॉटम एरिया के अंदर हमने पहले ही बाइंडिंग पॉइंट दे दिए हैं पर्पल कलर में, अब टॉप एरिया के अंदर ये बाइंडिंग पॉइंट्स हम देंगे ये। अब बॉटम और टॉप दोनों में हमने बाइंडिंग पॉइंट्स दे करके जो दोनों मेथड हमने यूज़ किए थे कॉम्बिनेशन स्टिचिंग में उसको कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया कॉम्बिनेशन स्टिचिंग को यूज़ करके। इस प्रकार से पहले हम हमारा डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे और इस डिज़ाइन का लिफ्टिंग प्लान और ड्राफ्टिंग प्लान कैसे तैयार करते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसका ड्राफ्टिंग प्लान और लिफ्टिंग प्लान तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। डबल क्लॉथ के लिए भी मुझसे कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमने ये
वीडियो बनाया है। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp.org, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org इस टॉपिक के नोट्स पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।